और अब बात ऑपरेशन जिंदगी की करते हैं। चमोली हादसे के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आज सुबह रेस्क्यू के दौरान दो शव बरामद हुए, जिसके बाद हादसे में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 53 हो गई है, जबकि 151 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश चल रही है। इससे पहले रविवार को टनल और रैणी गांव में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 13 शव बरामद किए गए। जानकारी ये कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के बचाव और राहत की टीम लगातार काम कर रही है। तो ये हम आपको बता दें, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, संख्या बढ़कर 53 अभी तक मरने वालों की हो चुकी है, 151 लोग अभी भी लापता हैं हादसे के बाद से। रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है लगातार, कल इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 13 शव बरामद हुए थे, आज सुबह दो शव तपोवन टनल में बरामद किए गए हैं। कोशिशें की जा रही हैं। यहां पर रामानुज इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से ही जुड़े हुए हैं। रामानुज, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है और ये कहा जाए दुखद पहलू सामने निकल कर आ रहा है कि शव जो हैं वो कल 13 बरामद हुए, आज सुबह भी दो शव बरामद हुए हैं, अभी अपडेट क्या है? शिल्पा, रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल लगातार चल रहा है और अभी का जो अपडेट है वो ये है कि एनडीआरएफ की दो टुकड़ियां, ये जो तपोवन टनल के सामने धौली गंगा नदी है, इसमें सर्च ऑपरेशन के लिए वो उतरी हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि आसपास का जो क्षेत्र है, जो टनल के और डैम के आसपास का, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाए। और दूसरी तरफ टनल में जिस तरह से पिछले दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और वो भी काम हो रहा है, चाहे वो मलबा निकालने का है या और कुछ है। और फिलहाल आपको ये भी बता दें कि जो एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट आदित्य प्रताप सिंह हैं, वो भी साथ में ही हैं। सर, अब किस तरह का आगे आप लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, टनल में क्या स्थिति है? टनल से मलबा निकालने का काम लगातार जारी है और हम तलाश कर रहे हैं, उसमें से जो मलबा आ रहा है उसमें जेसीबी उसको निकाल रहा है, उसमें देख रहे हैं जहाँ भी पॉसिबिलिटी होती है डेड बॉडी की, तो काम रोक के पहले उस डेड बॉडी को हम रिट्रीव कर रहे हैं लगातार। अच्छा, आज सुबह भी दो डेड बॉडी निकाली गई, तो टोटल संख्या कितनी हो रही टनल से? टनल से टोटल संख्या 8 की हो चुकी है, जिसमें 6 डेड बॉडीज कल निकाली गई थी, एक रात 12:30 बजे और एक 6:50 पे और 6:55 पे एक सुबह एक डेड बॉडी रिट्रीव की है। अगर तकरीबन देखें तो टनल में कहां तक पहुंच गए, जो टी पॉइंट की भी बात आ रही है, लगभग कब तक पहुंच जाएंगे वहां तक? ये बताना बहुत मुश्किल होगा और जल्दबाजी होगी कि कब तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि काम लगातार जारी है, उसमें बीच में कुछ चुनौतियां आ रही हैं, कई बार मलबे का मलबा जो है वो लगातार वहां से निकलता जा रहा है, तो हमारा काम लगातार जारी है, जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा हम 24/7 दिन रात यहाँ पर काम जारी है, जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा हम उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपकी दो टुकड़ियां उधर भी लगी हुई हैं और आसपास के नदी के क्षेत्र में क्या स्थिति है? हमारी जो डोजर ये काम कर रहे हैं, सिविल प्रशासन के या एनटीपीसी के जो डोजर्स काम कर रहे हैं, उनके साथ साथ भी हमने अपनी टीम को उनकी सेफ्टी के लिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए उनको दिया हुआ है। इसके अलावा जो बैराज का एरिया है उसके टॉप पर हम पूरा सर्च कर चुके हैं, रैनी विलेज में ऑलरेडी काम जारी है, उसमें भी लगातार काम कर रहे हैं, और ये जो धौली गंगा रिवर है ये नीचे जहाँ तक जा रही है उसमें लगातार हमारी टीमें नदी के दोनों किनारे डेड बॉडी को सर्च कर रही हैं कि इन केस कोई ऐसा उनको सुराग मिल जाए या दिखाई दे, इसके लिए हम बीच बीच में हमने ड्रोन की भी सहायता इसमें ली है। तो आज आप लोग क्या, चाहे वो ऋषि गंगा का है एरिया या यहाँ का, अलग अलग क्षेत्रों में पहुँच रहे हैं? हाँ, ये लगातार काम जारी है, वो सभी टीमें अपनी अपनी जगह लगभग पहुँच चुकी हैं। तो फिलहाल इस तरह से शिल्पा, लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है या सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है और आप टनल की जो सीधी तस्वीर देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से, तो आप देखिए कि आज भी उसी तरह से काम चल रहा है जैसे पिछले दिनों से चल रहा था। और चूंकि टनल में मलबा होने की अधिक मलबा होने की वजह से अभी भी उसी तरह से कोशिश की जा रही कि जैसे पहले चलाया जा रहा था, तो अब देखना यह होगा कि जो टी पॉइंट है, जो लगातार जी मीडिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ये बता रहा था कि अगर 170 मीटर की दूरी तय हो जाएगी, इसके बाद टनल नीचे की तरफ जाता है जहाँ पर श्रमिक काम कर रहे थे, अधिकारी थे उसमें टनल के, तो वहाँ पर पहुँचना है और ये बताया जा रहा है कि 150 मीटर की दूरी लगभग तय हो चुकी है, वह आगे आने वाले टाइम में यानी कि 2 से 4 घंटे में अगर वहाँ तक पहुँचते हैं तो वहाँ की जो स्थिति होगी, जो सिचुएशन होगा वो भी साफ होगा कि आखिर किस तरह के हालात हैं। फिलहाल जो मलबा है वो मिलियन टन है और लगातार 24 घंटे कोशिश की जा रही कि टनल को साफ किया जाए,
ताकि उस पॉइंट तक उस जगह तक पहुंचा जा सके। बिल्कुल रामानुज, रेस्क्यू ऑपरेशन तो लगातार चल रहा है और ये देख रहे हैं हम कितनी कोशिशें फिलहाल टीम्स लगातार कर रही हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मौसम जो है उसमें तब्दीली आ सकती है, मौसम खराब रह सकता है, इसको लेकर फिर इफेक्ट जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पर पड़ सकता है सीधे। देखो शिल्पा, थोड़ा सा जो सुबह का वक्त का मौसम था वो जरूर इस तरह से लग रहा था कि अब आसमान में बहुत बादल छाए हैं और कल हल्की बारिश भी हुई थी और जो टॉप के इलाके हैं कि यानी कि मोस्टली हाई अल्टीट्यूड्स के, वहाँ पर हल्की बर्फबारी हुई थी। सुबह शाम बहुत तेज यहाँ ठंड तो पड़ती है, हवाएं चलती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो टीम इस धौली गंगा नदी में उतरती है और आपने देखा है कि इसका बहाव कितना तेज है, तो यहाँ पर इसीलिए मौसम के मिजाज को भी देखा जा रहा है कि अगर कहीं मौसम अचानक बदल जाए या बारिश या और किसी तरह की कोई परेशानी आ जाए तो उसको भी टीम देखती है और एनडीआरएफ की जो एक्सपर्ट टीम है, जो उनके कमांडेंट है, उनकी मॉनिटरिंग में ये पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन इधर चल रहा है, बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन टनल के अंदर में है। तो कोशिश की जा रही है दोनों साइड से, चाहे वो ऐसे लोग जहाँ के सड़कें कटी हैं या मार्ग उनका टूटा हुआ है वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है, तो उनके पास तक भी राशन की सप्लाई है, दवाएं हैं उसको भी दी जा रही हैं। और ये एक बार आप इसको तस्वीरों में भी देख लीजिए कि इसी तरह से लगातार काम भी होता है, वो गांव के लोग हैं जो ऊपर से नीचे उतर रहे हैं और सड़क से नीचे तक, यहाँ तक जैसे टीम जब जी मीडिया की भी आती है तो 1 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ पहले पैदल आने देते थे, अब गाड़ियाँ आती हैं। तो कहने का मीन्स यही है कि ये जो पूरा जो इलाका है इनका एक मार्ग था, ये टूट गया और अब ये ट्रॉली बनी है, धीरे धीरे गांव वाले भी आ रहे हैं। तो एक तरह से कहें गांव वालों के लिए ये काम जब शुरू हुआ तो इनकी ज़िंदगी जो है पटरी पर लौट रही है और इसी तरह से अलग अलग जो पुल टूटे हैं उसका भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो ये पूरा ऑपरेशन, चाहे सर्च ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन है, पूरा युद्ध स्तर पर चल रहा है, 24 घंटे काम हो रहा है, लेकिन जो पूरा इलाका है इसको बहुत क्षति पहुँची है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और यही वजह है कि आप देखिए कि गांव वाले कैसे जो है वो ट्रॉली में बैठ करके नदी को क्रॉस कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीर बिल्कुल ग्राउंड जीरो से है, इसी तरह से ये सिलसिला दिन भर चलता रहता है। तो काम यहाँ पर युद्ध स्तर पर चल रहा है, पूरी तरह से मॉनिटरिंग हो रही है और यहाँ तक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार इस बात की तस्दीक करते रहते, अधिकारियों से जानकारी लेते रहते क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है और आगे किस तरह से ऑपरेशन को चलाया जा सकता है। तो कोशिश हो रही है, लेकिन जहाँ तक सबसे बड़ी खबर कहें या सबकी नज़र कहें वो टनल पर है, तो टनल में मलबा बहुत ज़्यादा है और जो नीचे की टनल है वहाँ से भी पानी गया है, इस तरह से जब ड्रिल हुई थी पता चला है। तो ये ऑपरेशन बहुत चैलेंजफुल है, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करते हुए जो यहाँ के एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान जवान हैं पूरी तरह से लगे हैं, टनल की भी सफाई हो रही है और आगे किस तरह से ऑपरेशन चलाया जा सकता है जहाँ पे श्रमिक के फंसे होने की बात है, तो उस पर भी सबकी नज़र है और जो लेटेस्ट जो आधुनिक मशीन है उसका भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल नज़र इसी चीज़ को लेकर बनी हुई है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी जल्दी समाप्त किया जा सके, कितनी जल्दी मलबा जो है वो निकाला जा सके। रामानुज, एक तरफ टनल पर निगाहें बनी हुई हैं लेकिन दूसरी तरफ जो यहाँ पर गांव है आसपास, खासकर रैनी गांव की ही अगर बात की जाए, तो उन लोगों के लिए क्या पूरी तरीके से स्थितियां सामान्य अभी हो पाई हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से मदद दी जा रही है और जो तस्वीर भी आप दिखा रहे थे कैसे फिलहाल लोग वैकल्पिक पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिंदगियां थोड़ी पटरी पर आ पाई हैं, यहाँ पर अभी राहत थोड़ी मिली हुई है जो सरकार की तरफ से मदद मिल रही है उससे? शिल्पा बिल्कुल, पहले मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि एक बार फिर से थोड़ा नदी के साइड में आ जाए और गांव का भी वो जो तस्वीर है जो आपने सवाल किया वो भी हम उसको दिखा देते हैं। ये जो अब सामने गांव आया सीधे कैमरे से आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये भेंजूल गांव है और ये जो तपोवन टनल था जो मेन, इसके सामने का जो डैम है, डैम के सामने इनका झूला पुल था, जब झूला पुल पूरी तरह से इस मलबे की आने की वजह से टूट गया तो ये गाँव के लोग जो है
इनका एक ही संपर्क मार्ग था तो आवागमन इनका बाधित हुआ, इसलिए पीडब्ल्यूडी के जरिए इस दूसरे पुल का निर्माण हुआ। अब सवाल ये भी है कि आसपास के जो गांव हैं, जो 13 गांव थे इसी तरह से डिस्कनेक्ट हुए थे, चाहे वो रैणी गांव का क्षेत्र रहा हो, चाहे ये भेंजूल है, इसके आगे गैर गांव है, ये सामने ढाक गांव है और आसपास का ये जहां पर इस समय टीम है जी मीडिया की, ये तपोवन का गांव है, तो आसपास के जो अलग अलग क्षेत्र के गांव हैं और रैणी गांव है जहां पर मेन सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी नीति को जो जाने वाला पुल है वो जो टूटा है, वहां भी बीआरओ के एसडीआरएफ एनडीआरएफ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में पीडब्ल्यूडी अलग अलग क्षेत्रों में इसी तरह से क्षेत्रों में काम चल रहा है, कहीं पर ट्रॉली पुल बन रही है, कहीं वो तस्वीर हम आपके माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरीके की कोशिशें लगातार हो रही हैं यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाने के लिए, दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए कि स्थितियां फिलहाल अभी क्या बनी हुई है। तो चमो